देखिए मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जब भी आर्थिक में एक सबसे बर्निंग इशू है प्लास्टिक, जो जल्दी से रिजॉल्व नहीं होता, सबसे ज़्यादा दिक्कत है सिंगल यूज प्लास्टिक। हम क्या करते हैं, हमने सिंगल यूज किया प्लास्टिक को सड़क पर फेंक दिया, तो वो क्या होता है डायरेक्ट पेट में जाता है, या कहीं पर सड़क में पड़ा रहता तो वो रिजॉल्व नहीं होता, उसको नष्ट हो जाता, उसके एनवायरमेंट पर इतना नुकसान होता है। तो मैंने सोचा कि हम इस जो इसका नुकसान होता है उसको लोगों तक कैसे बताएं। तो जब हम फैशन शो के बारे में सोच रहे हैं, हमने सोचा कि फैशन शो में ट्रेड लोगों को बताया जाए नुकसान क्या होता है। फिर हमने जब ज़्यादा फैशन के बारे में सुना, सबसे पहले मैं शो ऑर्गेनाइजर अंबालिका जी, रिंकू जी सहित पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ तक प्लास्टिक की बात है, प्लास्टिक तो कम्प्लीट ही बंद होना चाहिए, इसलिए कि ये तो एक मोदी जी की शुरुआत की है। और मैं चाहता हूँ इसके अलावा जो आजकल तंबाकू बूट पे, इस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। और इसी के साथ मैं जारा गाजी जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जो विनर रही हुई है, और इन्हीं के प्रयास से या जितने अच्छे लेवल के प्रोग्राम उन्होंने कर रहे हैं, और उनके बुलाने में सबसे ज़्यादा मैं अधिकार देना चाहूँगा पत्रा जी को, जिनके कारण ही आप ये जयपुर में उपस्थित हैं। और आज एक नींद को प्लास्टिक में भारत के ऊपर गांव डेली के लिए अपने चैनल